आइए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्यूल्स के कुछ प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स और सिग्निफिकेंस हम लोगों ने डिस्कस करे थे और साथ में हम लोगों ने याद करे थे। आज डिस्कस करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसको डिफाइन किसने करा था? इसको डिफाइन करा था F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसे इसे डिफाइन करा था। आपको ये नाम आपको याद रखना है। इसने कुछ चार प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है, जो कि आपके फ्योल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स। टेलर ने यहाँ पे दिए हैं आपके सिर्फ और सिर्फ चार प्रिंसिपल जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह नए अप्रोचेस को अडॉप्ट करना है और ऐसे मेथड्स का यूज करना जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम आए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली तरीके से काम कर सके। तो इसी तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पहला कि ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, यानी कि मेथड तो बहुत होते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के, तो उसमें सबसे सबसे बेस्ट मेथड आपको यूज करना है, नई टेक्निक आपको यूज करनी है। तो इसी के साथ बोला हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, साथ के साथ जैसे ही आपका टाइम चेंज होता है उसके साथ साथ आपको रिसर्च भी करते रहना है और इन्वेस्टिगेशन भी करते रहना है कि और ऐसे मेथड निकालने हैं जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम आए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ये कहता है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अगर आप कंपनी चला रहे हो, तो वहां पे बहुत इंप्लॉयज होते हैं और बहुत इंप्लॉयज होते हैं तो उनके क्लास ग्रुप्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की क्लास, ठीक है, वर्कर्स की क्लास, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्लास होने की वजह से वहां पर झगड़े होने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो उन्हीं झगड़ों के बारे में बात करें कि वहां पर झगड़े ना होके हार्मनी क्रिएट करना बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स की जगह पर जहां पर मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब ये नहीं कि मैनेजर और वर्कर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है और वर्कर्स जाके स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, ठीक है, इन झगड़ों की बजाय वो अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट, हार्मनी का मतलब यहाँ पर है मिलजुल कर काम करना मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी। तीसरा पॉइंट है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। यही लाइन यहाँ पर भी बोली गई थी बट ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करता है कि आप एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करने की बजाय कॉपरेट करो। कॉपरेट करने का मतलब है अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे समझाओ, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको समझाएगा, दैट इज कॉपरेशन, ठीक है। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कॉपरेशन, ठीक है, कंपटीशन को रिप्लेस करना कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे से कंपटीशन ना करकर एक दूसरे को क्या करना, कॉपरेट करना, ठीक है, यही बोला जाता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ पॉइंट आपका है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब यहाँ देखो क्या बोला जाता है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि हर एक एम्प्लॉयज की अपनी एफिशिएंसी होती है, अपनी कैपेबिलिटीज होती है, तो उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम करवाना ही यहाँ पे बोला हुआ है, उसको डेवलप करना कि अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 यूनिट बना सकता हूँ 2 दिन में, ठीक है, बट मैं अपनी पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइज ना करके मैं सिर्फ 600 यूनिट ही मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी जो कैपेबिलिटी, मैं अपनी कैपेबिलिटी का फुल यूज नहीं कर रहा, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही लाइन बोली गई है कि उसकी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसके लिए 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए मैंने, यहाँ पे ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, यहाँ पर हर बंदे को साइंटिफिकली सेलेक्ट किया जाता है, एंड द वर्क असाइन शुड सूट हर, मतलब यहाँ पे साइंटिफिक सेलेक्टेड का मतलब यहाँ पर ये बोला जाता है कि हमारे कंपनी में जिस काम की रिक्वायरमेंट है उसी काम के लिए उसी तरह के एम्प्लॉयज को हायर करना, ठीक है, और उसको वही काम देना, वही काम असाइन करना जो उसे सूट करता है, जैसे वो फिजिकली उस काम को कर भी सकता है, मेंटली उसके लिए रेडी और इंटेलेक्चुअली जो उसके लिए वो कैपेबल है उस काम को कंप्लीट करने के लिए और या फिर उस काम को करने के लिए। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर बिजनेस पढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स मुझे बिजनेस आती होगी, ये नहीं कि साइंस के टीचर्स को ला के यहाँ पे खड़ा कर दिया और उसको बोला कि चलो बिजनेस पढ़ाओ, ठीक है, उसको वही काम देना जो वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे बोला हुआ ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड द वर्क असाइन
शुड सूट हर, जो उसको सूट करता है फिजिकली मेंटली एंड इंटेक्चुअली कैपेबिलिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला हुआ है यहाँ पे, टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, ठीक है। अगर उसकी एफिशिएंसी की इंक्रीज करने के लिए अगर हमें ट्रेनिंग की भी जरूरत करना देनी पड़े तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट यही बोला जाता है कि किसी इम्प्लॉयज की अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और एफिशियंट इम्प्लॉयज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर, ठीक है। जो एफिशियंट इम्प्लॉयज है वो ज्यादा कमाता है और ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ये थे आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो चार प्रिंसिपल्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, इनको नोट कर लेना, तो नोट साथ के साथ बनाते रहना ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके टेक्निक्स। साइंटिफिक जो आपका टेलर है, टेलर ने प्रिंसिपल्स के साथ साथ टेक्निक भी दिए हैं, तो टेक्निक भी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि टेक्निक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एराइज होते हैं, मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा बार इसके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं टेक्निक्स। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग टेक्निक्स की ओर। सबसे पहले टेक्निक दी हुई है आपकी फंक्शनल फॉरमैनशिप, ठीक है। अब ध्यान से समझना, फॉरमैन आते कहां पर है। सबसे पहले आपके टॉप लेवल है, ठीक है, जिसमें आपके सीईओ, आपके मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सारे वहां पर आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है आपका मिडिल लेवल, जिसमें सारे के सारे मैनेजर्स आएंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आएंगे। तीसरा आपका आता है सुपरवाइजर और फॉरमैन, यानी कि तीसरा जो होता है लोअर लेवल। तो यानी कि आपको पता लग गया, यानी कि जो फॉरमैन आते हैं वो लोअर लेवल पर आते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लोअर लेवल। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर, यहाँ पे जो मिडल, यहाँ कहां पर है, ये आपका मिडल लेवल पर है। बाकी क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शनल फॉरमैनशिप, यानी कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, फॉरमैन को डिवाइड कर दिया, यानी कि दो फंक्शंस के अकॉर्डिंग, यहाँ देखो प्लानिंग इंचार्ज अलग कर दिया हम लोगों ने और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग कर दिया। प्लानिंग इंचार्ज अलग है और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग है, दोनों का काम अलग है। और दोनों देखो इन सबके नीचे आते हैं वर्कर्स, कौन आएंगे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे वर्कर्स, ठीक है। ये सारे कहां पर आपके इंस्ट्रक्शन देने वाले, यहाँ पे नीचे ऑर्डर यहाँ पे देंगे सारे। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो गया कि वर्कर को एक बंदे से ऑर्डर नहीं मिलने वाला, ठीक है। उनका एक बॉस नहीं है, उनके आठ बॉस हैं, चार तो प्लानिंग इंचार्ज के यहाँ पर हैं और चार बॉस आपके प्रोडक्शन इंचार्ज के यहाँ पर है, समझ में आ गया। चारों के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो करने हैं। बट फ्यूल क्या बोलता था, फ्यूल कहता था कि एक बंदे का एक टाइम पर एक ही बॉस होना चाहिए जिसको वो कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। ये क्या आपका फ्यूल का थोड़ा सा वायोलेशन है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैं बात करूं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, फ्यूल के इस प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की जगह, सॉरी यूनिटी ऑफ कमांड की जगह यहाँ पे फंक्शनल फॉर्मेलशिप को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे देखो अब इनका काम क्या क्या होता है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए, इंस्ट्रक्शन इसका काम है, मेन है इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर करना, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी आपके इंस्ट्रक्शन देने का काम होगा वो इसी का होगा, यही प्रिपेयर करेगा, ठीक है। वर्कर्स को कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ठीक है, सारे वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन ये प्रिपेयर करेगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है। दूसरा आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए वो भी डिसाइड कौन करेगा, आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तीसरा आपका रूट क्लर्क, ठीक है, किसी काम को कंप्लीट करने के क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किस सीक्वेंस में होता हुआ वो काम कंप्लीट होगा, तो सीक्वेंस का मेंटेन करने का काम किसका होगा, रूट क्लर्क का। फोर्थ आपका डिसिप्लिनेरियन क्लर्क, ठीक है, इसका काम क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने का, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको प्रिपेयर कौन करेगा, ये डिसिप्लिनेरियन क्लर्क, जिसको ये वर्कर्स फॉलो करने वाले हैं, उस डिसिप्लिन को ये फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके कुछ इन्होंने बनाए, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, देखो प्रोडक्शन इंचार्ज का काम क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या है, सफिशियंट रॉ मटेरियल या फिर कुछ भी जो रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए वर्कर्स के लिए, का वर्कर्स के काम के लिए, वो अवेलेबल कराने का काम किसका है, गैंग बॉस का, कि जब भी रॉ मटेरियल जरूरत पड़े तो गैंग बॉस ही वहां पे लाके देगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्पीड बॉस, स्पीड बॉस का काम क्या है, जो स्पीड काम की स्पीड को चेक करना, दैट मीन जो टाइम एंड कॉस्ट डिसाइड करा है इसने, क्या उस टाइम पर काम चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं कंप्लीट हो रहा, वो स्पीड बॉस का काम होगा यहाँ पे चेक करना। नेक्स्ट आपका है रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस का काम है अगर कोई रॉ मटेरियल या कोई मशीन वगैरह
खराब हो जाती है, कोई दिक्कत देती है कि उसे रिपेयर करने की वहां मेंटेन करने की जरूरत है, तो वो रिपेयर बॉस का काम वहां पर होगा। नेक्स्ट आपका इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम है वहां पे क्वालिटी चेक करना, जो काम डिसाइड करा है, जो प्रोडक्ट डिसाइड करा है, उस काम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी देखना कि वो काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपके हो गए फंक्शनल फॉरमैनशिप, ये पहली टेक्निक थी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी है इनको याद करना भी और इनको समझना भी, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे एक ही टेक्निक हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरी टेक्निक है आपके यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है पहले से डिटरमाइन करना है कि किसी काम को कंप्लीट करने का कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, क्या टाइम होगा, कितना टाइम पे वो काम कंप्लीट होगा, क्या कॉस्ट रहेगी, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी, क्या क्वालिटी रहेगी, ठीक है। ये पहले से डिसाइड कर दिया जाता है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, कोई अननेसेसरी टाइम ले रहा है, ठीक है, कोई अननेसेसरी कॉस्ट ले रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये पहले से डिसाइड करना कि क्या टाइम रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगा, वो रहेगा आपका स्टैंडर्डाइजेशन। चलिए कि स्टैंडर्डाइजेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी, इन चीजों को पहले से डिसाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा कि जो अननेसेसरी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो पे आगे प्रॉब्लम आती है, जो कि जरूरत है नहीं, ठीक है, उस काम को रिमूव कर देना ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है और शूज तो बना रहे हैं, बट जिस क्वालिटी के शूज की मार्केट में डिमांड होगी तो उसी शूज की हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, बाकी जो अननेसेसरी शूज जो जिनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, सेल ही नहीं हो रही, तो उन शूज का क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, दैट मीन्स उसको रिमूव करेंगे, उनका प्रोडक्शन नहीं करेंगे आगे। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। तो दूसरा आपका टेक्निक आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तीसरा पॉइंट आपके सामने है वर्क स्टडी। तो सबसे पहला आपने पढ़ा फंक्शनल फॉरमैनशिप, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, उसमें हम लोगों ने तीन पॉइंट पढ़े थे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन में पढ़ा उन सबको अप्रूव करने के लिए क्या टाइम रहना चाहिए, क्या कॉस्ट रहनी चाहिए, उसके लिए हम करते हैं वर्क स्टडी, ठीक है। वर्क स्टडी के अंदर आता है पहला टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी और मोशन स्टडी, एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं। टाइम स्टडी, अब किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि हर एक वर्कर की अलग अलग एफिशिएंसी होती है। एक एम्प्लॉयज मान लेते हैं 5 घंटे में किसी काम को कंप्लीट करता है, ठीक है, दूसरा एम्प्लॉयज जरूरी नहीं कि वो 5 घंटे में कंप्लीट करे, आई थिंक वो 10 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है, 6 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है, 4 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी अलग होती है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि उनको मतलब एक तरह से एवरेज लिया जाता है कि कितना टाइम वहां पर लगना चाहिए, यही स्टडी करना है कि कितना एवरेज रहेगा, कौन सा बंदा कितना टाइम ले रहे हैं, तो वो रहेगा हमारा टाइम स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी में क्या रहेगा कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम रहना चाहिए, कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, उस टाइम की स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, टाइम स्टडी। दूसरा आपका है फटीग स्टडी। अब फटीग स्टडी में देखो, अब आपने काम करना स्टार्ट कर तो दिया, अब काम करते रहोगे तो आप थक भी तो जाओगे, बीच में आपको ब्रेक की जरूरत पड़ती है। तो जब भी एक टाइम इंटरवल कहा जो किसी काम के बीच में आप क्या होता है, एक ब्रेक लेना पड़ता है, जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक टाइम होता है बिटवीन द वर्किंग टाइम, तो उसको बोलते हैं हम लोग फटीग स्टडी। इसकी स्टडी करना कि कब हमें ब्रेक देना चाहिए, कितना ब्रेक देना चाहिए और कितने टाइम पर ब्रेक देना चाहिए और कितने ब्रेक देना चाहिए, तो उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, फटीग स्टडी कहलाता है। तीसरा आपका है मेथड स्टडी। किसी भी काम को कंप्लीट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और हर एक मेथड में कॉस्ट और टाइम अलग अलग लगती है, तो किस तरह मेथड का यूज करना है हमें, वो हमें मेथड स्टडी के थ्रू पता चलेगा, जहां पे हमारी कॉस्ट और टाइम, ठीक है, और एफिशिएंसी दोनों तीनों ही इंक्रीज होगी, मतलब एक तरह से कम टाइम लगेगा, कम कॉस्ट होगा और एफिशिएंटली तरीके से काम कंप्लीट होगा, तो वो हमारा मेथड स्टडी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होगा, देखो किसी काम को कंप्लीट करने के बहुत सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, उसमें कई ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो जरूरी नहीं होते, तो उन अननेसेसरी सीक्वेंस को, अननेसेसरी स्टेप्स को रिमूव करना और उन्हीं स्टेप्स को रखना जिस स्टेप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और उस स्टेप के साथ ही काम कंप्लीट हो भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट ए को बनाने में लगते हैं 16 स्टेप्स लगते हैं,
ठीक है, एक से लेके 16 स्टेप तक जाता है, तब जाके वो काम कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट पे होता है। जब हमने मोशन स्टडी करी, मोशन स्टडी से पता चला कि इसमें से 10 ऐसे स्टेप्स थे जो कि अननेसेसरी थे। अननेसेसरी का मतलब है अगर उन स्टेप्स को फॉलो ना करके हमने सिर्फ 6 स्टेप्स को ही फॉलो करा ढंग से, तो काम तब भी कंप्लीट होगा और अच्छा तरीके से कंप्लीट होगा। तो उसको बोलते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में अननेसेसरी स्टेप्स, अननेसेसरी सीक्वेंसेस को रिमूव कर दिया जाता है ताकि कम टाइम और कम कॉस्ट पे और कम लेबर की जरूरत पड़े और आपके प्रोडक्ट एफिशिएंटली तरीके से प्रिपेयर हो सके। तो ये हमारा था वर्क स्टडी, ठीक है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम कैसे डिसाइड किया जाएगा, उनके काम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। जो जितना ज्यादा काम करेगा उसका एफिशिएंसी, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी काम कंप्लीट करने की, ठीक है, उसको ज्यादा वेज रेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कैसे, यहाँ पे देखो कंपनी क्या डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल कोई एक से लेके 30 यूनिट तक कोई अगर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक दिन के अंदर, उसको मिलेगा 30 रुपए के हिसाब से वेज रेट, 30 रुपए के हिसाब से वेज रेट। वही अगर कोई बंदा 31 से लेकर 50 यूनिट तक यूनिट बनाता है तो उसको मिलेगा 50 रुपए के हिसाब से वेज रेट, ठीक है। वहीं अगर बंदा 51 से लेके 60 यूनिट तक गुड्स को बनाता है तो वहां पर मिलेगा उसको 60 रुपीज के हिसाब से वेज रेट, ठीक है। वहीं अगर बंदा 60 से लेकर 80 तक यूनिट तक बनाता है, एक तरह से स्लॉट यहाँ पे डिसाइड कर दिया है, तो उसके हिसाब से क्या कर रहा है, वेज रेट वहां पे उसको मिलेगा, पीस वेज रेट सिस्टम। अब देखो समझना देना ध्यान से, अगर उसने 30 यूनिट बनाई, एफिशिएंसी अगर मैं बता देता हूँ, पूरी एफिशिएंसी अगर काम कर रहा है, अगर वो 30 यूनिट बना रहा है एक दिन के अंदर तो 30 रुपए के हिसाब से मिलेगा, तो उसको पूरे दिन में कितना मिल रहा है, 900 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 900 रुपए मिल रहे हैं। अगर वो 11 स्लॉट क्रॉस करके अगर इस स्लॉट में आ रहा है, अगर वो 50 यूनिट बना रहा है एक दिन के अंदर, कितनी यूनिट बना रहा है वो, 50 यूनिट, तो उसे मिल रहा है 50 रुपए के हिसाब से। तो यहीं पर उसकी वेज रेट क्या होगी, एक दिन में उसका जो वेज मिलेगा वो मिलेगा 25 रुपए। कहां उसे इस स्लॉट में आने के 900 या उससे कम रुपए मिल रहे थे, अगर वही वो नेक्स्ट स्लॉट में अगर वो चला जाता है तो वहां पर क्या होगा, उसकी वेज रेट बढ़ जाएगी, जिससे उसकी पर डे की वेज रेट बहुत ही ज्यादा होगी। कितना यहाँ पर आ गया, 2500। उसी तरह से अगर वो तीसरे स्लॉट पे अगर बढ़ता है, अगर वो 60 यूनिट तक बनाता है, इसके बीच में अगर आता है तो 60 इंटू में क्या होगा, 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 रुपीज पर डे का हिसाब से वेज रेट यहाँ पे उसको मिलेगा। समझ में आया डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी उसकी एफिशिएंसी है, जितना ज्यादा वो काम यूनिट बना सकता है एक दिन में, उतनी ज्यादा उसकी वेज रेट होगी, यानी कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये थे आपके टेक्निक्स, ठीक है, समझ में आ गए। सबसे पहले टेक्निक हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है, वो क्या था, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दूसरा आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तीसरा आपका वर्क स्टडी, चौथा आपका है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर केस स्टडीज बहुत ही बार पूछा जाता है कि कोई भी केस स्टडीज दे दी, अब वहां पे पूछा जाएगा किस तरह की यहाँ पे स्टडी है, ठीक है, तो किस तरह कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज की जा रही है। समझ में आ गया, ये था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। और पिछली क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने फ्यूल्स के प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के तरह, इसी के साथ जो दूसरी यूनिट है यहाँ पर, इसको हम विराम देते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगली क्लास में तीसरी यूनिट की ओर। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।